नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, गहलोत हेल्थ केयर, रेणु IVF कानपुर से। मेरा ये जो चैनल है, हमारा इसका पूरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो नॉर्मल कॉमन बीमारियां हैं हमारे देश की, उनके बारे में जागरूकता हो। इन सब चीज़ों के लिए हमारे चैनल को अवश्य से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन की। भारत देश में महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट के बाद सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह। और यह कैंसर जो है, ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। वैसे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करीब 100 प्रकार से भी अधिक तरीके के होते हैं, बट उनमें से करीब 10 से 12 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्वाइकल कैंसर को कॉज करते हैं। उनमें से कुछ कैंसर कुछ बिनाइन डिजीजेस जैसे बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन, वॉर्ट्स या जिसे आप मसा भी कहते हैं, वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ही होता है। इस वायरस से इन्फेक्शन न सिर्फ महिलाओं को होता है, पुरुषों को भी होता है। और आपस में संबंध बनाने के दौरान यह वायरस महिला पुरुष को और पुरुष महिलाओं को यह वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स या कॉन्डोम्स इसको प्रिवेंट करने का एक अच्छा साधन है। बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर पूरे विश्व में काफ़ी अवस्था में देखा गया और यह जाना गया कि जब से सर्वाइकल कैंसर की अर्ली डिटेक्शन करने के जो भी टेस्ट थे वो किए गए, तो ये देखा गया कि बाहर के कंट्रीज में जब से उन्होंने कॉल्पोस्कोपी, LBC, HPV, DNA ये टेस्ट किए, तब से वहाँ पर बहुत अर्ली स्टेजेस में कैंसर डायग्नोज हो पाया और सर्वाइकल कैंसर होने की मृत्यु दर काफ़ी कम रही। भारत देश में अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी कॉमन कैंसर है, फिर भी इसके बारे में अवेयरनेस और इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आपके घर की कोई भी महिला जो 30 से 50 वर्ष के बीच की हो, उनको अवश्य से सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग क्यों? स्क्रीनिंग मतलब कि आज आपको कैंसर नहीं भी है, लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको करके हम पता कर सकते हैं कि आगे आपको 5, 10, 15, 20 साल बाद कैंसर तो नहीं होने वाला है। और आज अगर उसके हमको वो सिम्टम्स मिलते हैं, तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट के द्वारा हम उस लीजन को या उस छोटे से घाव को या उस आने वाली बीमारी को वहीं पर दबा सकते हैं और 100% क्योर हो सकता है। साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग क्यों करानी चाहिए। इसलिए क्योंकि सर्वाइकल कैंसर होने में शुरुआती लक्षण से लेकर पूरे फुल फ्लेज्ड कैंसर होने में करीब 5 से 15 वर्ष तक का समय लग सकता है। जिस भी महिला के कई सारे बच्चे हों, उनको बार बार योनि में इन्फेक्शन होता हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, बच्चेदानी के आसपास या वजाइना में या बाहर के हिस्से में मसे रहे हो, या बार बार उन्होंने अबॉर्शंस कराए हो, नली पैरिटी तो इससे प्रोटेक्ट ही करती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इससे प्रोटेक्ट करती हो, इन कई सारी महिलाओं में और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी महिलाओं में बच्चेदानी के कैंसर होने के अधिक संभावना है। अब इस कैंसर को पता करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे टेस्ट हैं। तो किनको ये टेस्ट कराने चाहिए? स्क्रीनिंग यानी सभी महिलाएं जो 30 से 55 वर्ष के बीच की हैं, सभी को कराना चाहिए। आपको डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी लगवानी है और उसकी स्क्रीनिंग भी करानी है। स्क्रीनिंग के लिए हम लोग एक कॉल्पोस्कोपी टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉल्पोस्कोपी एक बहुत ही सिंपल मशीन है। कॉल्पो यानी कि वजाइना और स्कोप यानी कि उसको देखना बड़ा करके। तो कॉल्पोस्कोपी के द्वारा हम बच्चेदानी के मुंह को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। कुछ इस तरीके की इमेजेस जो है वो हमें कॉल्पोस्कोपी में दिखाई देती है और इस तरीके की रिपोर्टिंग हम कॉल्पोस्कोपी में करते हैं। एक रिपोर्ट होती है जब हमने सिर्फ बच्चेदानी को मुंह को हमने नॉर्मल सलाइन से साफ किया और उसके बाद देखा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सर्विक्स की सरफेस बिल्कुल प्लेन सी दिखाई देती है,
बट जब बच्चेदानी के मुंह पर घाव हो, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि 3/4 बच्चेदानी के मुंह पर घाव है, तो अब इसको ये देखना बहुत जरूरी है। सफेद पानी, ल्यूकोरिया या सफेद प्रदर ऐसे ही केसेस में मिल सकता है, जिसको हम लोग सिंपल एंटीबायोटिक्स लेकर दबा देते हैं और आगे अंदरूनी जांच न कराकर बच्चेदानी के कैंसर को प्रमोट करते हैं। इसी घाव को फिर हम नॉर्मल सलाइन से देखते हैं, साथ में कुछ और रिएजेंट्स लगाकर कंफर्म करते हैं कि कहीं इसमें कोई छोटा सा घाव आगे चल के कैंसर तो नहीं बता रहा। और इसकी जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है वो 70-80% तक है। इस तरीके से हम नॉर्मल सलाइन और एसिटिक एसिड लगाकर देखते हैं, उसको एक ग्रीन फिल्टर में लगाकर देखते हैं और फिर एक ल्यूगोल्स आयोडीन लगाकर हम पूरी एक फाइनल रिपोर्ट में तैयार करते हैं। अब इस रिपोर्ट में अगर हमको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो हम ऐसे केसेस में लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी अगेन एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो कॉल्पोस्कोप है और ये कॉल्पोस्कोपी की मशीन है, इसमें ना ही तो हमें कोई चीरा देना है, ना ही दर्द होना है, ना ही अंदर कुछ इंसर्ट करना है। बहुत ही सिंपल, दर्द रहित, मुश्किल से 5-10 मिनट की प्रक्रिया है, जिसे हम पता चल कर सकते हैं कि आगे चल के कैंसर तो नहीं होने वाला। अब इस टेस्ट में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या नहीं भी है, तब भी हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और एचपीवी डीएनए का एक कंबाइंड टेस्ट कर सकते हैं और यह तीनों टेस्ट मिलकर इनकी स्पेसिफिसिटी 95% तक हो जाती है। यानी कि 100 में से 95 लोगों में हम पता कर सकते हैं कि भाई ये जो घाव दिख रहा है, ये घाव आगे चल के कैंसर तो नहीं बनाएगा या ये सिंपल घाव है। ये घाव यहाँ देखने में बहुत भयानक लग सकता है। मात्र 28 वर्ष की एक महिला में ये घाव है और ऐसे केसेस में बच्चेदानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। सेव यूट्रस, सेव फेमिनिटी, बच्चेदानी बचाएं, स्त्रीत्व सहेजें। सिर्फ हम ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर बनाने वाला तो नहीं है। सिर्फ इतने से टेस्ट से ये पता चल सकता है। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि बच्चेदानी के घाव के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके बारे में मैं 1-2 दिन में फिर से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अब लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कॉल्पोस्कोपी की तरह। इसमें इस तरीके का एक ब्रश होता है और ये एक सिंपल सॉल्यूशन, इसके अंदर रिएजेंट है। इस ब्रश को सिर्फ बच्चेदानी के मुहाने पर हमको ऐसे घुमाना है। बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सुइयां नहीं है, प्लास्टिक का ब्रश है, सिंपल। तो करना क्या है, जो ये बच्चेदानी के मुंह पे घाव है या नॉर्मल बच्चेदानी भी है, तो वहां जाकर हमें इस ब्रश को घुमाना है, जिससे कि इसके जो कुछ सेल्स हैं वो इस ब्रश पे चिपक जाएंगे और बस इस ब्रश को यहाँ से डिसलॉज करके तोड़ने के बाद यहाँ से हटाकर हम इस सॉल्यूशन में डालकर उसको जांच के लिए भेज देते हैं। कुछ अच्छी पैथोलॉजीज में ये टेस्टिंग होती है और जिसकी कॉस्ट 1200 से 1500 के बीच में आती है। और इस टेस्टिंग में अगर आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी डीएनए नेगेटिव आता है, तो आप अगले 5 वर्ष तक निश्चिंत हो सकती हैं कि हाँ भाई, ये घाव कैंसर नहीं है, तो हम इसका सिंपल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही कि कॉल्पोस्कोपी, एलबीसी, एचपीवी डीएनए की टेस्टिंग करके हम बच्चेदानी के कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में, या उसके जो प्रिकर्सर्स हैं, हम उनको बहुत अर्ली स्टेजेस में पहचान सकते हैं, बहुत बारीक टेस्ट कर सकते हैं जिसमें बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रीटमेंट भी उनका बहुत सिंपल होता है। तो जागरूक रहे, अवेयर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।